लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को दिल्ली में बड़ा झटका लगा है। दरअसल आम आदमी पार्टी की दिल्ली यूनिट के 20 से अधिक नेताओं ने शुक्रवार को कांग्रेस का हाथ थाम लिया। प्रदेश कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने सभी का पार्टी में स्वागत किया, तो वहीं पार्टी पदाधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में और भी लोगों के कांग्रेस में शामिल होने की हमें उम्मीद है। दिल्ली कांग्रेस ने कुछ फोटो शेयर करते हुए अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है, वक्त है बदलाव का, वक्त है कांग्रेस का। उत्तर पूर्वी दिल्ली के 2 दर्जन से भी अधिक आम आदमी पार्टी के नेताओं और पदाधिकारियों ने श्री कुलदीप भाटी के नेतृत्व में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली की मौजूदगी में सैकड़ों समर्थकों ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। इस मौके पर राजीव भवन में आयोजित एक सभा में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व विधायक मुकेश शर्मा, भीष्म शर्मा, विपिन शर्मा, निगम में सदन के पूर्व नेता जितेंद्र कोचर और पूर्व प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष अमित मलिक भी मौजूद थे। बता दें कि कांग्रेस की दिल्ली इकाई के प्रमुख अरविंदर सिंह लवली ने पहले पार्टी छोड़ चुके नेताओं और कार्यकर्ताओं से पार्टी में लौटने का आह्वान किया था। यही नहीं, अरविंदर सिंह लवली ने अपना पूरा फोकस दिल्ली में पार्टी संगठन को मजबूत करने पर लगाने की बात कही थी। माना जा रहा है कि कांग्रेस ने रूठों को मनाने की दिशा में पहल कदम शुरू कर दी है। लौटने वाले पदाधिकारियों के बारे में बोलते हुए एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि आने वाले दिनों में और आप नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने की हमें पूरी उम्मीद है। पार्टी में लौटे पदाधिकारियों के बारे में जानकारी देते हुए कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि आने वाले दिनों में और अधिक लोगों के पार्टी में शामिल होने की उम्मीद है। ये पूछे जाने पर कि क्या इस कदम से विपक्षी गठबंधन इंडिया के समीकरण पर असर पड़ेगा, वरिष्ठ नेता ने कहा कि कांग्रेस राष्ट्र राजधानी में खुद को मजबूत करने के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा, गठबंधन पर निर्णय पार्टी आला कमान लेगा और हम उसका पालन करेंगे। उन्होंने बताया कि एक राजनीतिक दल के रूप में हमें खुद को मजबूत करने और नया रूप देने के लिए कदम उठाने चाहिए और हम ऐसा करना जारी रखेंगे। वहीं लवली ने आरोप लगाया कि भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों ने राष्ट्र राजधानी में विकास कार्य को रोक दिया है। उन्होंने कहा, भाजपा और आपके बीच लड़ाई के कारण कई प्रमुख विकास परियोजनाएं ठंडे बस्ते में डाल दी गई हैं। भाजपा का एजेंडा समाज में नफरत और दुश्मनी पैदा करना है। लवली ने आरोप लगाते हुए कहा कि दूसरी ओर आप विकास कार्य को रोकने के लिए भाजपा को दोषी ठहराकर अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।